कर्नाटक का शहर बेंगलुरु अपने आई टी हब के नाल नाल ट्रैफिक जाम लई भी जाणिया जांदा है। इस शहर दीआं सड़कां ज़्यादातर वाहनां नाल भरियां रहिंदियां ने, पर हुण लोकां नूं इस ट्रैफिक जाम तो कुछ राहत मिलन वाली है। हुण शहर च एयर टैक्सी शुरू होण जा रही है, जिस नाल घंटिया का सफ़र कुछ ही मिनटां दे विच पूरा कीता जा सकेगा। मनी कंट्रोल की रिपोर्ट मुताबिक सरला एविएशन अते बेंगलुरु इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड मिल के शहर च इलैक्ट्रिक फ्लाइंग टैक्सी लॉन्च करन जा रहे ने। एयर टैक्सी शहर के प्रमुख स्थानों से हवाई अड्डे के विचकार चलाई जा सकती है। जे फ्लाइंग टैक्सी शुरू हो जाती है तो इस नाल लोगों के सफर च काफ़ी समा बच सकता है। रिपोर्ट के अनुसार इस साझेदारी के तहत एडवांस एयर मोबिलिटी हल पर फोकस है। एयर टैक्सी ना सिर्फ हैलीकॉप्टर वाग हवा च उड़न गियां सगों प्रदूषण भी नहीं करनगियां। कंपनी का फोकस एयर टैक्सी नूं तेज़ अते ईको फ्रेंडली बनाने पर भी है। एयर टैक्सी राही यात्रा करन नाल बहुत समा बचेगा। जे कोई व्यक्ति इंदिरा नगर तो हवाई अड्डे तक का सफ़र करता है तो इस सड़क राही 1.5 घंटे का समा लगेगा, जदों कि एयर टैक्सी नाल यह समा सिर्फ 5 मिनट रह जाएगा। खबर मुताबिक जेकर इस एयर टैक्सी शुरू किया जाता है तो लगभग 20 मिनट का सफर प्रति व्यक्ति 700 रुपये तक खर्च हो सकता है। एयर टैक्सी का यह प्रोजेक्ट अजे शुरुआती पड़ाव है। इस फ्लाइंग टैक्सी का प्रोटोटाइप बनना बाकी है, नाल ही रेगुलेटरी प्रवानगी प्राप्त करने कुछ साल लग सकते हैं। BIAL के अनुसार इस सेवा को बेंगलुरु में शुरू होने लगभग 2 से 3 साल लग सकते हैं, पर जेकर यह सेवा इस शहर के शुरू होगी तो ट्रैफिक की समस्या के जड़ा काफ़ी हल होगा। ब्यूरो रिपोर्ट TVNRI। कर्नाटक का शहर बेंगलुरु अपने आई टी हब के नाल नाल ट्रैफिक जाम लई भी जाणिया जांदा है। इस शहर दीआं सड़कां ज़्यादातर वाहनां नाल भरियां रहिंदियां ने, पर हुण लोकां नूं इस ट्रैफिक जाम तो कुछ राहत मिलन वाली है। हुण शहर च एयर टैक्सी शुरू होण जा रही है, जिस नाल घंटिया का सफ़र कुछ ही मिनटां दे विच पूरा कीता जा सकेगा। मनी कंट्रोल की रिपोर्ट मुताबिक सरला एविएशन अते बेंगलुरु इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड मिल के शहर च इलैक्ट्रिक फ्लाइंग टैक्सी लॉन्च करन जा रहे ने। एयर टैक्सी शहर के प्रमुख स्थानों से हवाई अड्डे के विचकार चलाई जा सकती है। जे फ्लाइंग टैक्सी शुरू हो जाती है तो इस नाल लोगों के सफर च काफ़ी समा बच सकता है। रिपोर्ट के अनुसार इस साझेदारी के तहत एडवांस एयर मोबिलिटी हल पर फोकस है। एयर टैक्सी ना सिर्फ हैलीकॉप्टर वाग हवा च उड़न गियां सगों प्रदूषण भी नहीं करनगियां। कंपनी का फोकस एयर टैक्सी नूं तेज़ अते ईको फ्रेंडली बनाने पर भी है। एयर टैक्सी राही यात्रा करन नाल बहुत समा बचेगा। जे कोई व्यक्ति इंदिरा नगर तो हवाई अड्डे तक का सफ़र करता है तो इस सड़क राही 1.5 घंटे का समा लगेगा, जदों कि एयर टैक्सी नाल यह समा सिर्फ 5 मिनट रह जाएगा। खबर मुताबिक जेकर इस एयर टैक्सी शुरू किया जाता है तो लगभग 20 मिनट का सफ़र प्रति व्यक्ति 700 रुपये तक खर्च हो सकता है। एयर टैक्सी का यह प्रोजेक्ट अजे शुरुआती पड़ाव है। इस फ्लाइंग टैक्सी का प्रोटोटाइप बनना बाकी है, नाल ही रेगुलेटरी प्रवानगी प्राप्त करने कुछ साल लग सकते हैं। BIAL के अनुसार इस सेवा को बेंगलुरु में शुरू होने लगभग 2 से 3 साल लग सकते हैं, पर जेकर यह सेवा इस शहर के शुरू होगी तो ट्रैफिक की समस्या के जड़ा काफ़ी हल होगा। ब्यूरो रिपोर्ट TVNRI।